सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आवर यू क्लास एज मिशन मैथ्स तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास एलेवेंथ बुक मैथ्स का है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर करने वाले हैं जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से समझाऊंगी और साथ में मैंने आपको बोल रखा है कि एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कराऊंगी और थ्योरम्स भी करवाऊंगी सो so, मैंने अभी एग्जाम्पल स्टार्ट कराया था जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री तक पहुंच चुके हैं बना लिया सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर थ्री को आज क्वेश्चन नंबर फोर की बारी है तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ऑन टाइम आप सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस पाओगे और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है इसका प्लेलिस्ट ईजिली फाइंड कर सकोगे कोई भी वीडियो सो so, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर थ्री हमने सोल्व कर लिया प्रीवियस लेक्चर में आज क्वेश्चन नंबर फोर की बारी है क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कह रहा है इफ़ वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर वन माइनस कॉस्ट टू एक्स अप वन प्लस कॉस्ट टू एक्स ये हमें दे रखा है सो so, अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दो कि आपने ये सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप इसको बिल्कुल ही सिंपल बना लो सिंप्लीफाई करा लो इसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन करना सो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर आपने एक ट्रिगोनोमेट्री uh, का फॉर्मूला सीखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया है वन माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर एक्स एंड वन प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर एक्स राइट right. तो इसी का यूज आपको यहाँ पे करना है जहाँ पे वन माइनस कॉस टू एक्स देख रहा है वहाँ पे आप क्या कर दो टू साइन स्क्वायर एक्स कर ये इस फॉर्मूले को बिल्कुल ढंग से याद कर लेना सो so, यहाँ पे हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कोस एक्स राइट अब यहाँ से देखो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे देखो सो so यहाँ पे देखो टू से टू कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या मिला साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सो यहाँ पे अंडर रूट में क्या मिलेगा टेन स्क्वायर x मिल जाएगा सो so, अब क्या करना है आपको कि जो ये टेन स्क्वायर एक्स है इसको आप स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा tan मिलेगा है ना स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या मिल गया tan मिल गया यानी कि आपके y के y का वैल्यू आपके पास क्या मिल गया tan x मिल गया है ना अब आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है अब आप इसको डिफरेंशिएट करो नाउ अब आप फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स सो वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना गिवन है टेन एक्स बाकी सारा कुछ यहाँ पे आप रख लो d अपॉन डी एक्स वाई की जगह क्या है टेन एक्स इसको डिफ्रेंशियट करना है ना सो so, यहाँ पे अब आप क्या करोगे टेन एक्स का डिफरेंशियन क्या होता है सो so, आप बोल दो कि एक एक सब के बेसिस पे था so, सो का क्या हो गया? एक एक हो गया गया ये आपका आंसर हो गया सो so, आज के लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स